5 करोड़ वर्ष पहले जब धरती पर आधुनिक स्तनपायियों का उद्भव हो रहा था, उसी समय सुअर जैसा एक जानवर भी प्रकट हुआ। लगता था इसने अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताया है, पर इसके वंशज धरती पर रहने वाले सबसे बड़े स्तनपायी बने। हाथी। एक ऐसा समय था जब विश्व में हाथियों की 11 प्रजातियां विचरण कर रही थी, लेकिन बाद में लगभग सभी विलुप्त हो गई। सबसे अंत में जिस प्रजाति को इस दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, वो थी वूली मैमथ यानी विशालकाय हाथी, जिसके शरीर पर लंबे बाल होते थे। वो 10,000 साल पहले इस धरती से लुप्त हो गया। आज हाथियों की सिर्फ 3 प्रजातियां बची हैं, जो अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं। उन्होंने प्रागैतिहासिक काल के अपने संबंध खत्म नहीं किए हैं। हाथियों के 2 करीबी जीवित रिश्तेदार मैनेटीज और डुगोंग आज भी पानी में ही रहते हैं। अफ्रीका के हाथी सहारा मरुस्थल के दक्षिण में रहते हैं और कुछ सवाना के हरे घास के मैदानों में। यहां गर्मियों का मौसम बेहद गर्म होता है, इसलिए हाथियों के कान बड़े बड़े होते हैं ताकि वे खुद को हवा कर सकें। उनकी झुर्रियोंदार त्वचा भी इसमें मदद करती है। नहाने के बाद पानी और नमी इनकी त्वचा के हर कोने और दरार में ठहर जाती है और शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। दूसरे हाथी मध्य व पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। इन हाथियों के शरीर व दांत सवाना के हाथियों के मुकाबले छोटे होते हैं। एशिया में इन हाथियों के ममेरे या चचेरे भाइयों के शरीर भी आकार में छोटे होते हैं। उनका शरीर एशिया के वर्षावनों की नमी के अनुकूल होता है। यहाँ शरीर को ठंडा रखना आसान है। इनके लटके हुए कान अफ्रीकी हाथियों के कानों की तरह लंबे नहीं होते। इनकी भूरी त्वचा पर झुर्रियां भी कम होती हैं। इस अफ्रीकी नर हाथी का वजन 80 लोगों के कुल वजन के बराबर होता है या 6 कार के बराबर। इसके दिल का वजन ही इंसान के एक छोटे बच्चे के वजन के बराबर होता है। इसके पैर भी कमाल के बड़े होते हैं, लगभग 1.5 मीटर या 5 फीट। और इसका दिमाग धरती के बाकी सभी जानवरों से बड़ा होता है, यहां तक कि हमारे दिमाग से भी कुछ बड़ा। पर यह विशालता इतनी ही नहीं है, इस सूंड में वाकई हजारों मांसपेशियां हैं। कोई हड्डी नहीं है, इसलिए हाथी इसे किसी भी दिशा में घुमा सकता है। सूंड इतनी संवेदनशील है कि घास का एक छोटा सा तिनका भी उठा सकती है और इतनी मजबूत कि पेड़ का तना भी उठा लेती है। असल में वे अपनी सूंड से पानी नहीं पीते, इसे वे एक होज की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके मुंह में पानी आसानी से चला जाए। इस तरह का एक बड़ा हाथी 3 गैलन तक पानी पी सकता है, एक बार में 10 लीटर तक। ये सूंड असल में उसके ऊपर के होंठ और नाक का बढ़ा हुआ हिस्सा ही है, जो हजारों सालों में जाकर इस तरह विकसित हो गई है। बहुत ऊपर या बहुत नीचे से उठाकर खाने के लिए यह एकदम सही औजार है, किसी जगह खुजलाने के लिए भी। झाड़ियों के बीच से रास्ता साफ करने के लिए हाथी संवाद करने में माहिर होते हैं। वे गुर्राकर, घुरघुराकर, घरघराकर या चिंघाड़कर, यानी तमाम तरह से एक दूसरे से बात करते हैं। घरघराने व चिंघाड़ने आदि की आवाजें एक तेज पुकार चेतावनी देकर झुंड को इकट्ठा करती हैं। हाथियों के ज्यादातर संवाद इतने धीमे होते हैं कि हम उन्हें सुन नहीं सकते, पर उनकी धीमी घुरघुराहट दूसरे हाथियों को बहुत दूर से भी सुनाई दे जाती है। वे अपने गद्दीदार पैरों की कोमल त्वचा के माध्यम से भी कंपन अनुभव कर आपस में संवाद कर सकते हैं। ये जनाब तो दिन भर खाकर ही अपना दिन बिताने वाले हैं।
हर रोज 400 पाउंड यानी 180 किलो खाना। मतलब ये कि हाथी बहुत सी बदबूदार मीथेन गैस छोड़ते हैं और बहुत सारा गोबर तो करते ही हैं। यूं इसे देखना अच्छा नहीं लगता, पर हाथी का ये गोबर बहुत काम का है। इसमें हाथी के खाए हुए बहुत से पौधों के बीज और पत्ते हैं। जब कोई गोबरेला इसे इधर उधर लुढ़काता है या जमीन के नीचे ले जाता है तो इसमें से नई घास और नए पौधे निकलते हैं। सच ये है कि कई पौधे तो अगर हाथी के पाचन मार्ग से न गुजरें तो अंकुरित ही ना हो। हाथियों के ना रहने पर कुछ इलाकों में तो शायद बड़े पेड़ों की एक तिहाई प्रजातियां ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। पेड़ों व दूसरे प्राणियों के जीवन के लिए हाथी और भी तरह से योगदान करते हैं। ऊंची घास के बीच से गुजरते हुए ये हथनी, छोटे सरीसृप, उभयचर व कीड़ों में हलचल पैदा कर चिड़ियों के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। उसके पैरों के दबाव से जमीन पर बन जाने वाले गड्ढों में बरसात का पानी ठहर जाता है, जिससे छोटे जानवरों को पानी पीने के लिए जगह मिल जाती है। हाथी जहां रहते हैं वहां की जैव विविधता के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें मेहराब के बीच का पत्थर माना जाता है, वो पत्थर जो मेहराब को थामे होता है। इसी तरह हाथी हमारे पर्यावरण को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये विशालकाय हाथी इंसान के लिए भी बहुत जरूरी है। एशियाई समाज व संस्कृति में हजारों सालों से हाथी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये यातायात का साधन है और भारी सामान उठाने में मदद करते हैं। यहां तक कि हाथी लड़ाइयों में भी जाते थे। प्राचीन लड़ाइयों में वे टैंक की तरह होते थे। हिंदू धर्म में तो हाथी के समान एक देवता गणेश भी हैं। वे सफलता, शिक्षा, धन व बुद्धि के देवता हैं। वास्तव में हाथी बहुत समझदार व सजग होता है, डॉल्फिन, बंदर और इंसान की तरह। ये उन कुछ जानवरों में से हैं जो हमारी तरह आईने में अपना प्रतिबिंब पहचान लेते हैं। आपने हाथी की कमाल की याददाश्त के बारे में शायद सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि वे सबसे ज्यादा भावुक और सामाजिक जानवरों में से एक हैं? वे आपस में बच्चों की तरह खेलते हैं, लड़ते झगड़ते, इधर उधर भागते दौड़ते हुए अपनी सूंड से हाथापाई करते। परिवार के सदस्यों व दोस्तों का ये खास तरह से अभिवादन करते हैं। ये एक दूसरे के लिए वफादार होते हैं और एक दूसरे की परवाह भी करते हैं। हाथी मिलकर काम करते हैं। ये वयस्क हाथी एक छोटे बच्चे की मदद के लिए तेजी से जा रहे हैं। हाथी जीवन भर पारिवारिक समूहों में एक साथ रहते हैं। झुंड में ज्यादातर वयस्क हथनियां व उनके बच्चे ही रहते हैं। जब नर हाथी बड़े हो जाते हैं तो वे झुंड छोड़कर ज्यादातर अकेले ही जीवन बिताते हैं। उम्र व आकार में सबसे बड़ी हथनी महामाता कहलाती है। ये सयानी दादी झुंड की मुखिया है। ये जहां भी जाती है दूसरे लोग उसके पीछे जाते हैं। वही तय करती है कि झुंड कहां खाएगा, कहां पानी पिएगा और कहां आराम करेगा। अपनी वर्षों की याददाश्त व अनुभव से वो जानती है कि सूखे के समय पानी व खाना कहां मिलेगा और दूसरी चीजें भी झुंड की भलाई के लिए। इंसान के बच्चों की तरह हाथी के बच्चे भी अपने परिवार पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। झुंड इन्हें प्यार करता है, वह अनुशासन सिखाता है। बच्चों को वे पानी व भोजन तलाश करना सिखाते हैं, साथ ही ये भी कि तमीज से कैसे पेश आना है। ये मजबूत रिश्ता बहुत शुरू से बनने लगता है।
एक हथिनी बच्चे को 2 साल गर्भ में रखती है। ये बच्चा अपनी माँ के सामने बहुत छोटा लगता है, मगर इसका वजन अभी ही 250 पाउंड है, यानी 110 किलो से ज्यादा। हाथी के बच्चे को तसल्ली के लिए माँ या किसी नजदीकी रिश्तेदार के स्पर्श की हर कुछ सेकंड बाद जरूरत होती है। इसे माँ 4 साल तक अपना दूध पिलाएगी। शुरू में बच्चों को पता ही नहीं होता कि वे अपनी सूंड के साथ क्या करें। ये इसे बिना किसी नियंत्रण के यूं ही इधर उधर या गोल गोल झुलाते रहते हैं। कई बार ये इस पर पांव भी रख देते हैं। हाथी के बच्चों के दूध के गजदंत भी होते हैं, जो जन्म के 1 साल बाद गिर जाते हैं। जब वे बड़े होने लगते हैं तो नए स्थायी गजदंत भी आ जाते हैं। गजदंत दरअसल हाथी के आगे के 2 दांत होते हैं। ये गजदंत 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, 10 फुट से भी ज्यादा लंबे। ये अपने आप में नियामत हैं, तो अभिशाप भी कम नहीं है। गजदंत हाथी का सबसे उपयोगी औजार है, चारा ढूंढने के लिए या कुछ खोदने के लिए, पेड़ों से छाल निकालने के लिए, हथियार की तरह, और भारी सूंड को थामने के लिए। दाएं या बाएं हाथ से काम करने वाले इंसान की तरह हाथी किसी एक तरफ के दांत का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, पर कमाल के ये दांत अभिशाप भी हैं। इनसे हाथियों पर शिकारियों का खतरा बढ़ जाता है। वयस्क हाथी से मिलने वाले हाथी दांत को लोग हजारों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में अंग्रेजी का एलिफेंट यूनानी शब्द आइवरी से ही बना है। शिकारी उन प्रौढ़ हाथियों पर नजर रखते हैं जिनके दांत बहुत बड़े होते हैं। इनसे पियानो की कीज, बिलियर्ड की गेंदें, महंगी चॉपस्टिक व गहने बनते हैं। छुट्टियों में अफ्रीका व एशिया आने वाले पर्यटक कई बार यादगार के तौर पर हाथी दांत का सामान ले जाते हैं, पर हाथी दांत का हर टुकड़ा मृत हाथी से आता है। पिछले 1 शताब्दी में दुनिया भर में हाथियों की आबादी 50% कम हो गई है। इसके लिए हाथी दांत के व्यापार को दोषी माना जाता है। हाथियों को बचाने में मदद के लिए 1989 में सरकारों के बीच हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए समझौता हुआ है। अफसोस है कि इस प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा लिया गया है, यानी अवैध शिकारियों द्वारा हाथियों का मारा जाना जारी है, सिर्फ हाथी दांत के गहनों के लिए। हाथियों पर खतरा इसलिए भी है क्योंकि लकड़ी काटने, खेती करने व अन्य इंसानी गतिविधियों के कारण इनके ठिकाने छोटे होते गए हैं। ये ऐसे प्रवासी प्राणी हैं जो हर वर्ष 100 किलोमीटर या 60 मील से ज्यादा का सफर करते हैं। भोजन व जल स्रोतों की उन्हीं पिछली जंगली पगडंडियों से गुजरते हुए, जब विचरण के उनके रास्तों को सड़कें या रेल लाइनें काट देती हैं या मकान उनका रास्ता रोकते हैं, तो हाथियों के झुंडों को खाना व पानी ढूंढने में मुश्किल होती है। भूखे हाथी भोजन की तलाश में खेतों या गांवों में घुस जाते हैं। जब हाथी लोगों की वे फसल खा जाते हैं जो उनके परिवार का पेट भरती, तो वे क्रोधित हो उठते हैं। वे हाथियों को भगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इससे वे घायल हो सकते हैं, मर सकते हैं और इंसान भी घायल हो सकते हैं। कई बार इस टकराव को बचाने का एक ही तरीका होता है कि इंसानों और हाथियों को एक दूसरे से दूर रखा जाए। अफ्रीका के मलावी क्षेत्र में IFAW के बचाव दल ने विलुप्त प्राय हाथियों के एक झुंड को खतरे से बाहर निकाला। अपने परिवार व फसलों को बचाने के लिए गांव वालों ने बहुत हाथियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। हाथियों को नींद की दवा दी गई थी ताकि वे 150 मील यानी 300 किलोमीटर लंबी ट्रक व हवाई यात्रा के दौरान आराम से सोए रहें। वे अपने नए ठिकाने पर एक साथ उठे
सुरक्षित, स्वस्थ और भूखे, घूमने फिरने के लिए एक स्वतंत्र अभयारण्य में। चीन में बचे रह गए कुछ सौ हाथियों में से ही हैं ये प्यासे जीव। ये यूनान क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं, जहां स्थानीय समुदाय के साथ रहना इनके लिए चुनौती बनता जा रहा है। चीन में इतने कम हाथी रह गए हैं कि इनके लिए इंसान के पड़ोस में शांति के साथ रहने के रास्ते तलाश करना जरूरी हो गया है। यहाँ IFAW स्थानीय लोगों को जीविका के नए तरीके विकसित करने में मदद कर रहा है, जिससे हाथियों के जंगली आवास नष्ट ना हो। साथ ही लोगों को सतर्क कर रहा है कि जब हाथी किसी गांव के पास हो या सड़क पार कर रहे हो तो कोई तनाव ना हो और हाथियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। भारत में एक अनोखा वन्य जीव बचाव केंद्र हाथियों का भविष्य बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। इस केंद्र में एशियाई हाथियों के उन बच्चों को बचाकर उनकी देखभाल की जाती है जो घायल हो जाते हैं, अनाथ हैं या किसी कारण से अपने झुंड से बिछड़ गए हैं, तब तक जब तक कि वे समर्थ ना हो जाएं। छोटे बच्चों की ऐसे ही 24 घंटे देखभाल की जाती है जैसी उन्हें अपनी मां से मिलती। दूध की बोतल, रात को ढक कर सुलाना, बच्चे जब कुछ बड़े और मजबूत होने लगते हैं तो उन्हें जंगल में रहना सिखाया जाता है। जंगल में सैर, ताकि जंगली ठिकानों से उनकी पहचान हो और झुंड में रहने का कौशल वे सीख सकें। गैंडे व अन्य जंगली जानवरों के बच्चों को भी बचाकर केंद्र में बड़ा किया जाता है। बाद में उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर एक या दो साल के होने पर जब हाथी के ये बच्चे संभल जाते हैं तो इन्हें हिमालय की तलहटी में मानस अभयारण्य में छोड़ दिया जाता है। IFAW इस विशाल संरक्षित इलाके को इंसानी विकास कार्य से बचाने व शिकारियों से सुरक्षा करने में मदद कर रहा है। जंगल में बड़े हो रहे अनाथ बच्चों को रेडियो कॉलर लगाए गए हैं ताकि IFAW उन पर नजर रख सके। पिछले कुछ वर्षों में विलुप्त प्राय एक दर्जन से ज्यादा एशियन हाथी मानस में छोड़े गए हैं और जंगल में जीने का एक और मौका उन्हें दिया गया है। IFAW जैसे प्राकृतिक संरक्षण में लगे समूह अफ्रीका में हाथियों के विचरण क्षेत्र बचाने के काम में मदद कर रहे हैं। जैसे कि केन्या के हाथियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या व अफ्रीकन वन्य जीव की तमाम विविधताओं वाले केन्या के सावो नेशनल पार्क को। ऐसे प्रयास हाथियों के भविष्य के लिए वह हमारी धरती की जैव विविधता के लिए उम्मीद जगाते हैं। वे कहते हैं कि हाथी कभी नहीं भूलते। आइए खुद से वादा करें कि हम भी कभी नहीं भूलेंगे। हम सब ये भी तय करें कि हाथियों की ये बस्तियां याद भर बनकर नहीं रह जाएंगी।